हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आरसी मसाला किचन में स्वागत है। आइए दोस्तों, आज बताते हैं कच्चे आम की इस तरह लाजवाब और टेस्टी खीर। देखिए कितना लाजवाब और टेस्टी है। तो आइए इसके लिए देखिए, हमने इस तरह के आम को लिया है। ये अंदर से हल्का हल्का पीला दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही टाइट है और बिल्कुल कच्चे हैं। इसको हम ग्रेट करेंगे। देखिए इस तरह हमने इसे ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम पानी से धुलेंगे। देखिए इस तरह इसमें कुछ पीले पीले टाइप के पानी आ रहे हैं। इसको तीन चार पानी हम साफ़ करेंगे इस तरह। अब इसको हम छानेंगे, फिर दूसरे पानी में डालेंगे। देखिए इस तरह हमने धुल लिया है। अब देखिए इसका पानी ये साफ़ हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे। देखिए इसको हमने छान लिया है। छान करके एक प्लेट में रख लिया है इसे। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने एक भगोने को रखा है। इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। देखिए हमने इसमें 1 लीटर दूध डाल दिया। अब इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे इस तरह। इस दूध को हमें छोड़ना नहीं है। देखिए एक उबाल आ गया है। एक उबाल आने के बाद अब इसको हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसमें हम 150 ग्राम चीनी डालेंगे और इसको चलाते हुए पकाएंगे। इसको हम एक अच्छी सी रबड़ी बनाएंगे। 1 लीटर दूध हमारा जब आधा लीटर हो जाए तब तक, देखिए लगभग 10 मिनट बाद ये हमारा दूध इस तरह अच्छा से पक गया है, बहुत गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच जो इलायची पाउडर डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे लगभग 1 घंटे, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। अब देखिए हमने गैस पर पानी रखा है, इसमें उबाल आ गया है। अब इसमें आम के लच्छों को डालेंगे। देखिए हमने सारे लच्छों को इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है हमें इसे, लगभग 2-3 मिनट के लगभग हमें इसे जो है कुक करना है। अब देखिए हमारा ये लच्छे अच्छे से उबलने लगे हैं। अब इनको हम चेक करते हैं कि हमारा कुक हो गया है कि नहीं। हल्का सा निकाल करके इसको प्लेट में रखेंगे, ठंडा होगा। देखिए इसको अच्छे से हम खींचेंगे इस तरह। ये बहुत आसानी से टूट गए और दबाने पर भी देखिए बहुत अच्छे से मसल गए हैं। इसका मतलब कि ये हमारे लच्छे कुक हो गए हैं। अब इनको हम इसे छान लेंगे और नॉर्मल वाटर में डालेंगे इन्हें हम। लगभग 1 मिनट तक रहने देंगे। जब हमारे ये लच्छे ठंडे हो जाएंगे अच्छे से, ये हमारे लच्छे जो है ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें हम छान लेंगे। देखिए हमने लच्छों को छान लिया है। छानने के बाद हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इनको अच्छे से ठंडे होने देंगे। ये जब हमारे अच्छे से बहुत, देखिए बहुत अच्छे लच्छे ठंडे हो गए हैं। अब हमने जो दूध की रबड़ी बनाई थी उसे लेंगे। उसमें 1 कप जो है आम के पल्प को डालेंगे। देखिए हमने आम के पल्प को डाला है इसमें और इसको अच्छे से रबड़ी में मिक्स करेंगे। अच्छे से रबड़ी में मिक्स किया है। अब इसमें जो है आम के लच्छों को डालेंगे। देखिए हमने इसमें आम के लच्छों को डाला और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 1 घंटे बाद देखिए हमारी इस तरह आम की खीर तैयार हुई है। इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए हमने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब चलिए इसको हम सजाते हैं। इसमें डालेंगे केसर के कुछ धागे, कुछ ड्राई फ्रूट्स और इसमें हमने कुछ डाले हैं गुलाब की पंखुड़ियाँ। देखिए ये हमने सजा दिया। देखिए ये हमारी खीर कितनी टेस्टी लग रही है। ये खीर जो है लखनऊ की प्रसिद्ध खीर है दोस्तों। इसे बनाइए और कमेंट्स में बताइए कि ये कैसा बना है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करिए। ऐसी ही लेटेस्ट और टेस्टी लाजवाब रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।